साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। भारत ने कैसे एक यूनिक अभियान चलाया ये जानना विदेश से आए हमारे अतिथियों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। भारत में टीबी के लिए स्थानीय भाषा में क्षय शब्द प्रचलित है। इस अभियान के बाद करीब करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना पीगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है। मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं, और मैं आपका भी आभारी हूं। आपने अभी आज वाराणसी के 5 लोगों के लिए घोषणा कर दी। साथियों, निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।